अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, सारे खुश रहो। आज की वीडियो कहाँ पे है, कौन सी है? UMT MTK टूल। ठीक, आज की डेट में क्या वर्जन है इसका? वर्जन 4.9। ठीक है, मैंने कल वीडियो बनाई थी ना, वो MTK क्वालकॉम क्यूसीफायर पे, तो आपने बोला था सारा कुछ बताया करो। देखें, जब भी आप UMT लेते हो तो आप ये डाउनलोड गूगल से किया कर, ठीक है? ये मैंने आपको बताया, ये गूगल से डाउनलोड कर लिया कर लो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब डाउनलोड किया है उसके बाद UMT जो भी आपके पास की है तो उसको कंप्यूटर में लगाया करो, ठीक है? उसके बाद सारी चीज़ें इससे आपको मिल जाती है। अगर आपको UMT अपडेट करना है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, देखो इसमें ये वाली फाइलें भी है, ड्राइवर भी है, सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। अब ये जो कभी कभी क्या होता है, UMT जब फर्स्ट टाइम हम लगाते हैं उसको अपडेट करना होता है, इस पर क्लिक किया कर लो UMT पे। ठीक, उसके बाद ये जो UMT कार्ड मैनेजर अपडेट है इसको डाउनलोड करके, या EMMC अडाप्टर इसके साथ लगाते हो उसको अपडेट करने के लिए, इसको डबल क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके ओके किया मैंने। देखो अभी डाउनलोडिंग नहीं हुआ, जब तक हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे फिर होगा ये डाउनलोड, ठीक है? तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसको मैं डाउनलोड नहीं करता फिलहाल, यहाँ पे गो बैक कर लूंगा मैं। ठीक, हमने कहाँ पे जाना है, इंस्टॉलर। ठीक, यहाँ पे हमने जाना है, यहाँ पे सारे टूल आपको मिल जाते हैं। ठीक, अगर आपके पास UMT है तो SPD वाला टूल एवेंजर नहीं मिलेगा, अगर UMT प्रो है फिर मिल जाएगा। ठीक, तो हमने कल किस पे बात की थी, क्यूसीफायर पे, ये जो, ठीक, इस पे हमने कल बात की थी। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, डाउनलोड होना स्टार्ट हो, ठीक, क्यूसीफायर पे। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, सॉरी, UMT MTK टूल, ये वाला टूल, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। चलो ये आपको पता चल गया, अभी मैं MTK वाला टूल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? अब मेरे पास हान फोन है, इसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं सारा कुछ जो भी है, जितने भी टूल है UMT के ऊपर, तो सारे मैं आपको बता दूं, ठीक है मेरे भाई? चलिए जी, सबसे पहले हम न्यू अपडेट की बात कर लेंगे। यहाँ पे ये न्यू अपडेट आ गया, ये बहुत अच्छा। चलो ये मैं एंड पे बता दूंगा, हम सबसे पहले पे जाएंगे यहाँ पे जो ज्यादा यूज होता है हमें, टूल FRP। ठीक, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे बाई मॉडल है ना, इसको अनचेक कर लो ना। जबरदस्त वाला किस्सा बता दूं आपको, खाली देखना आपके फोन में CPU कौन सा लगा है, ठीक है? जो भी आपका फोन होगा, CPU चेक कैसे कर लोगे आप? आप जब गूगल खोलोगे, जैसे मैंने क्रोम खोला है, ठीक है, क्रोम खोल के मैं यहाँ पे लिखूंगा OPPO A1K CPU नंबर, ठीक, टाइप करके देखता हूँ, वही बता रहा है। अब MediaTek है, मुझे नंबर देखना था इसका, कौन सा नंबर है? ये है 6762 है इसका, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 6762 इसमें है ही नहीं, देखा आपने, यहाँ पे 6762 है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर बाई मॉडल ही कर लूँ। यहाँ पे मैं ओप्पो लगाता हूँ, यहाँ पे ओप्पो लगाया मैंने, उसके बाद मैंने देखना है A1K कहाँ पे है। ये है A1K,
उसके बाद जो आपको रीसेट करना होगा, जो भी करना होगा, यहाँ पे कर सकते हो। सेव फॉर्मेट देखते होगा, ठीक। खाली इससे काम नहीं करेगा, हम एमरजेंसी पे भी लगा देंगे, देखते ये रहेगा बीच में या नहीं। ये आ गया ना, ये देखते इसमें रहेगा या नहीं। ठीक, स्विच ऑफ करता हूँ मैं फोन को। अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप दोनों वॉल्यूम दबा दोगे और यूएसबी इन कर लो, ठीक है। यहाँ पे फोन हमारा कनेक्ट हो गया। देखते हैं सेफ फॉर्मेट होता है या नहीं होता। यूजर डेटा फॉर्मेटिंग, यूजर डेटा सेफ फॉर्मेट डन। देखते हैं किया भी या नहीं किया। तो निकालता हूँ मैं, ये जब तक ये ऑन होता है ना तब तक लाइक कर लो। लिखता तो है सेफ फॉर्मेट कर दिए इसने। बिल्कुल कर दिया, ये एमरजेंसी कॉलिंग करिए। चलो जी, बढ़िया हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेटा कर सकते हो। यहाँ पे वैसे एमटीके क्या, अगर आप रीसेट एफआरपी या सिग्नल लॉक करना चाहो ना, आप यहाँ पे MTK 1 क्लिक पे जाया कर लो। यहाँ पे ही आपको इरेज एफआरपी करनी होगी, यहाँ पे क्लिक कर लो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो। अगर स्क्रीन लॉक और दोनों हटाना चाहते हो, इन दोनों पे क्लिक करके रखा करो। जैसे ये FS है या फॉर्मेट FS है, इरेज सेव फॉर्मेट करना चाहते हो वो भी हो जाएगा, ठीक। अगर सेव फॉर्मेट करना चाहो ना, किसी किसी फ़ोन में नहीं होता, इरेज FRP हटाया कर लो, फिर यहाँ पे क्लिक कर लिया कर लो, फिर यहाँ पे क्लिक करना, बस काम खत्म हो गया, ठीक। अभी चेक करते हैं आपके सामने, पहली बार तो मैंने इसमें पैटर्न नहीं रखा था, अभी रखता हूँ मैं। यहाँ पे ये आ गया, लॉक ऑन करता हूँ मैं, 4 डिजिट रखता हूँ मैं, यूज हो गया ना, देखते हैं। हाँ बढ़िया हो गया ना। अब क्या करते हैं हम, अब इसको स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है। स्विच ऑफ करने के बाद सेव फॉर्मेट देखता हूँ, यहाँ पे सेव फॉर्मेट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। अब मैं दोबारा इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक। ये आ गया, दोनों वैल्यूम दबाने आपने, वैल्यूम अप डाउन, अगर सैमसंग का फ़ोन हो फिर एक ही की दबानी है, या डाउन या अप, ठीक। अब कोई भी बाकी दूसरा कोई ब्रांड हो उसको दोनों दबा के USB इन कर, ठीक है। आप जब ये कनेक्ट हो जाता फिर छोड़ देना, ठीक। ये हो गया, अब देखते हैं ये सेफ फॉर्मेट होता है या स्क्रीन लॉक खत्म कर लेगा नहीं करेगा। सेफ फॉर्मेट तो इसने कर ली, अब देखते हैं इसने स्क्रीन लॉक हटाया या नहीं। चलो भाई सब ऑन तो हो या कर, खुद ही मानता ही नहीं इधर की बात, आपकी तरह जैसे लाइक नहीं करते हो। चलिए जी, अगर आप MI अकाउंट हटाना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे MI अकाउंट रिसेट है, ठीक। तब तक मैं बोलता हूँ जब तक ये ऑन होता है, अगर यहाँ पे कोई एरर आता है फिर भाई मॉडल लगाया कर। जैसे यहाँ पे मैं शाओमी लगाता हूँ, उसके बाद मॉडल लगाया करो। इसमें खाली MTK मॉडल आएंगे, ठीक है, क्वालकॉम नहीं आएगा, ठीक। 9 प्राइम लगाता हूँ मैं,
उसके बाद यहाँ पे MI अकाउंट रिसेट कर सकते हो। ठीक, अगर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको मॉडल ब्रांड कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, सीधा यहाँ पे क्लिक किया, रिसेट MI अकाउंट पे क्लिक किया, अगर FRP होगी इन दोनों पे क्लिक किया, ये हटाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, बस काम खत्म। अगर फिर दोबारा रीलॉग हुआ, मतलब वाईफाई कनेक्ट करने के बाद, फिर डिसेबल MI क्लोड पे क्लिक कर लोगे, उसके बाद इस पे क्लिक कर लोगे, बस काम खत्म। कनेक्ट होने का तरीका आपको पता है ना, MI अकाउंट जो MT के फ़ोन होते हैं, तो सामने लॉक बन के आता है ना, तीनों बटन दबा के रखने होते हैं, USB इन करके रख लो पहले से। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जब वो रिस्टार्ट होगा, ऑन ऑफ स्विच छोड़ो, कनेक्ट हो जाएगा खुद ही यहाँ पे क्लिक करने के बाद। चलिए जी, देखते हैं ये सेफ फॉर्मेट हुआ या नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको *8133#। हो जा भाई साहब, जल्दी हो जा। मुझे नहीं लगता इसने सेव फॉर्मेट किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एमरजेंसी कॉल रखी थी, वो भी नहीं। अब देखते हैं फोटोज कहाँ पे मिलेंगे हमें। ये आ गया, फोटो एक लिया था ना मैंने। ओके, उसके बाद एल्बम पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। सेव फॉर्मेट कहाँ किया इसने यार, लगता तो नहीं है। किसी किसी फोन में होता है, किसी में नहीं होता, समझ गए। जैसे ये ओप्पो A1 की है, इसमें नहीं हुआ। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, क्या पता कल हो जाए न्यू अपडेट में, पर आज की डेट में नहीं हुआ। फिर से एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ है यार, जो डायलिंग नंबर कॉन्टेक्ट्स है वो तो गया, ठीक, खाली इमेजेस बच जाती है। ठीक है, ये देखा आपने, है इसमें। ठीक है, चलो ये इतना पता चल गया, MI अकाउंट भी पता चल गया। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ रही है, सेव फॉर्मेट भी यहाँ से ओप्पो रीसेट कर सकते हो एक ही क्लिक से। वैसे मेरे हिसाब से ये जो अनलॉगिंग MI अकाउंट जो भी है, ये यहाँ पे ही किया कर लो, आपको कोई मॉडल कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद ये जो रीड पैटर्न है, ये Android 5/6 तक काम करता, उसके बाद नहीं करता। ठीक है, बाकी ये सेम है, यहाँ पे जो अनलॉकिंग वाला खाता है, ये यहाँ पे सेम है। ठीक, बाकी बचा ये वाला टैब, कौन सा, ये जो इस साइड है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आई में रिपेयर कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे मैं लगाता हूँ, सब मॉडलों का नहीं होगा, किसी किसी फोन का। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका आई में नंबर सेव करके रखता हूँ, ऐसा ना हो इसका हो जाए तो पंगा हो जाएगा, क्या बोलते हो आप। ठीक है ना, फिर आपने क्या करना, आपने करना स्विच ऑफ ऑन। ठीक हो गया, यहाँ पे आप रिपेयर पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद ये क्या बता रहा है, आई में चेंजेस इलीगल, ये पढ़ लेना। ठीक है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेते अगर आपके साथ कुछ हो जाता। ठीक, मैं यस कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, मुझे करना थोड़ी ना, और है भी मेरा ही अपना फोन है। उसके बाद दोनों वॉल्यूम दबाने, याद रखिएगा सारे फोनों का काम नहीं होता। उसके बाद छोड़ दिया, बस वो आई मेरी रिपेयर हो गया। ठीक, अब ये मेटा मोड पे आ गया, यहाँ पे देख सकती हो। ठीक है, मुझे करना नहीं है, बस आपको बताने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ मैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, सारे फोनों में नहीं होता, किसी किसी फोन में नहीं होता, तो इसलिए फेल आओ। ठीक, अब ये मेटा पे है, इसको मैं ऑन करता हूँ, वैल्यूम डाउन अप या ऑन आप दबा के रखो, या बैटरी रिमूव कर लो, आपकी मर्जी है, इसको हमने ऑन करना है जैसे मर्जी। अरे यहाँ पे तो रिबूट मेटा है, मैं भी ना सटका हुआ हूँ।
तीनों बटन दबाने पड़ेंगे शायद। चल हो गया आई मैक, अभी पता चल गया आपको। डिसेबल लॉक इसका पता है, यहाँ पे बैकअप एनवी रैम ले सकते हो, एनवी रैम ठीक फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप फाइल बना सकते हो ठीक है। जैसे पिछले दिनों में आपको मैंने समझाया था ना, हम स्कैटर फाइल कैसे बना सकते हैं। अगर आप ओप्पो की फाइल डाउनलोड करते हो रियलमी की, तो यहाँ पे OFP फाइल चाहिए होती है, जो मेरे पास अभी नहीं है ठीक। वो फाइल सिलेक्ट करने के बाद उसी फोल्डर में ये स्कैटर फाइल अभी बना देता, समझ गए। जो MSM टूल के लिए नहीं होती फाइलें, तो वही उसमें एक OFP फाइल होती है, वही चाहिए होती है, तो वो फाइल बनाते हैं स्कैटर फाइल। उसके बाद आप आराम से यहाँ से फ्लैश कर सकते ठीक। अब यहाँ पे आप मुझे अभी बता दोगे, यहाँ पे तो ये काम खत्म हो गया, वन क्लिक पे भी काम खत्म हो गया। उसके बाद अब जाएंगे फ्लैशर पे, फ्लैशिंग ठीक। यहाँ पे इसको छोड़ो, यहाँ पे छेड़ना नहीं है। अगर भाई मॉडल करना चाहे तो ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से मैं नहीं करूँगा, वैसे आप कर सकते हो भाई। ब्रांड सबसे पहले ब्रांड सेलेक्ट करो, उसके बाद मॉडल कर लो ठीक है। मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना, अगर आप बाई मॉडल और बाई ये नहीं करना चाहते हो, आपको फिर पता होना चाहिए आपके फ़ोन में स्टोरेज कौन सी है, EMMC है या UFS लगी है ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं पता, तो फिर यहाँ पे क्लिक करके रखो ठीक है। यहाँ पे आपने CPU चेक करना है, CPU कौन सा है। जैसे ये CPU है, उसमें EMMC लगी है, UFS लगी है, वो चीज़ सिलेक्ट करके उसके बाद आप फाइल दोगे ठीक है। और ये जो हाई स्पीड है फॉर्मेट, ये इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं किया करो आप ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता मेरे फ़ोन में CPU कौन सा है, इसमें EMMC है या UFS है, मुझे नहीं पता। फिर मैं भाई ब्रांड पे ही क्लिक कर लूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं ओप्पो लगाऊंगा, कौन सा फ़ोन है मेरे पास, ओप्पो का। उसके बाद A1K है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, मैं ढूंढूंगा यहाँ पे ओप्पो A1K है, ये हो गया ठीक। अब ये वाला खाता तो बंद हो गया, अब यहाँ से ही मैंने कर लिया। उसके बाद मैं फाइल ले आऊँगा, मैंने डेस्कटॉप पे रखी थी, ए में करके रखी थी, ये आ गया, ये मैंने फाइल रखी है, इसमें आ गई ना सारी। तो जो जो आप करना चाहते हो ठीक है, अगर यूजर डेटा नहीं करना चाहते हो, इसको सेव करना चाहते हो, यहाँ पे अनक्लिक कर लो ठीक। तो जो आपके फोन में क्या नाम है इसका, मतलब जो जो आप चढ़ाना चाहते हो उस पर क्लिक कर ठीक। यूजर डेटा मैं चढ़ाना चाहता हूँ ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी मत छेड़ो, उसके बाद यहाँ पे फ्लैशिंग पे क्लिक कर ठीक। तो अभी मेरा फोन ऑन है, मैंने ऑलरेडी बैकअप लेके रखा है ठीक है, दोनों वॉल्यूम दबा के रखे। मैंने बैकअप भी बता दूंगा कहाँ से हम लेंगे बैकअप, फोन हमारा कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अगर आपका फोन ऑन है, हैंग एंड लोगो है, आप चाहते हो ये क्या है, ये तो पंगा है, ये USB केबल खराब है, इसका बड़ा पंगा है, या शायद चार्जिंग जैक में प्रॉब्लम होगी, रिकवरी भी आ गया। यहाँ पे फाइल ली मैंने, यहाँ पे कुछ भी मैं सिलेक्ट नहीं करता, बस कर चाचा बंद हो जा। फिर से एक बार चेक करते हैं इसने क्यों ऐसा बता दिया, कुछ होगा जो मैं मिस कर रहा हूँ। मैंने खाली आपको बताना है, फिलहाल ये वाली फाइल चढ़ाता हूँ मैं, दोनों वैल्यूम दबाने, उसके बाद USB इन कर, कनेक्ट हो गया। अभी मेरे पास फाइल सही नहीं है, तो ऐसे ही फ्लैश होता है ठीक है।
जो भी है, जो भी इसमें प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत आ रही है, फाइल में प्रॉब्लम है या यूएसबी में दिक्कत है। यूएसबी में मुझे नहीं लगता, इस पर क्लिक करके एक बार देखता हूँ। वैसे यहाँ पे मैं छेड़ा करूँ, जैसे है वैसे हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, आप देखते कौन सा एरर आता है, उसके बाद फिर उस एरर का बात करते हैं। यूएसबी लगा रहा हूँ। अच्छा, एक बार ही कनेक्ट हुआ था, तभी नहीं हो रहा कनेक्ट। तीनों बटन दबाता हूँ मैं इसको, यूएसबी लगा के रखी है मैंने। हो गया शायद। कौन सा एरर बता बता, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। फेल आ रहा, पता नहीं फाइल में कोई दिक्कत है शायद क्या, फाइल में दिक्कत है। तो ये हो गया, फ्लैशिंग वाला भी खाता मैंने आपको बता दिया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, अब रीड वाला खाता मैंने आपको बता दिया। ठीक, आप जो जो फाइल रीड करना चाहते हो वही फाइल रीड हो जाएगी, बाकी नहीं होगी। ठीक, यहाँ पे जब आप जाओगे, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने फोन कनेक्ट करना है, यहाँ पे कनेक्ट बता रहा है। ठीक, ये MTK की बात हो रही है, यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले फोन को मैं स्विच ऑफ करता हूँ। ठीक है, स्विच ऑफ किया मैंने। कनेक्ट हमने कैसे करना, दोनों दबान। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट करना, कनेक्ट हो गया। अब इसकी सारी फाइलें सामने आ जाएंगी। ठीक है, ये आ गई सारी फाइलें, जो भी आपको चाहिए फाइल, यूजर डेटा फाइल चाहिए। ठीक, उसके बाद FRP फाइल, NV डाटा, ठीक, जो भी आपको चाहिए, मेटा डेटा है। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कर लो और उसको बैकअप ले लो, जैसे यूजर डेटा है, ठीक, या OTP है। ठीक, इनको क्या कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है कहाँ पे चाहिए, मैं डेस्कटॉप पे लूंगा। ठीक हो गया, यूजर डेटा नहीं माना इसने, रीडिंग कर रहे हैं। अब ये हो रहा है, अब ये फाइल जब बैकअप लेते हो फिर कैसे उसको राइट करना है वो भी बता दूंगा। हाँ, अगर कोई पार्टीशन आपको फॉर्मेट करना है उस पर क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक, समझ गए इस चीज को आप, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लगता रहा मुझे बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है भाई, सब छोड़ दे यार, नहीं करते इतना ज्यादा। फिर मैं आपको बताता हूँ, फाइल चढ़ानी होगी, जैसे यहाँ पे आपने यूजर डेटा पे क्लिक किया, बस करना, बंद भी नहीं हो रहा अब। चलो हो गया, अब हमने अगर कोई फाइल चढ़ानी होगी, जैसे यूजर डेटा वाली फाइल, इस पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक करना है, ये यूजर डेटा क्लिक कर लोगे ना, यहाँ पे आ जाएगा। देखा आपने, यहाँ पे देखो कैसे लिख के आ गया, सी यूजर बुरहान ऑन डिवाइस, उसके बाद ये यूजर डेटा .img आ। ठीक, फिर उसके बाद राइट करना है, काम खत्म। आप समझ गए इस चीज को, पर फोन कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये देखो ना, फोन निकाल दिया मैंने, इसलिए ये आ गया। तो ये चीज भी आप समझिए, ये जो है
आई में निकालना चाहते हो, जो भी आपको फाइल चाहिए होगी, सारी चाहिए होगी तो सारा बैकअप कर लो, ठीक है। पर टाइम लगता है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ आपको ज़्यादा टाइम खाऊं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, कौन सा फ़ोन है यार, इसकी मैं एक बार कर ही लूँ डाउनलोड, देखता हूँ क्या होगा, क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से नहीं करके दी है तो मुझे फिर मज़ा नहीं आता। देखते हैं ओप्पो कौन सा है। मेरे को कौन सी फाइल चाहिए, एक फाइल बनाने के लिए मैंने बोला था आपको, बूट लोडर अनलॉक यहाँ से होगा, ठीक है। अगर अनलॉक दोबारा लॉक करना चाहते हो ना, इस पे क्लिक कर लो, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, दोबारा लॉक करना चाहते हो इस पे क्लिक कर लो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो, बस समझिए इस चीज़ को, ये भी मैंने रखा है, ठीक। यहाँ पे रीड RPM भी फाइल को अगर आपको चाहिए होगी तो वो कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको चाहिए होगी, हमें रिमो ओप्पो ID, हवाई ID, MTK CPU होना चाहिए, ठीक। इरेज कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक। जैसे ओप्पो ID यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कर लो, दोनों वैल्यूम दबा के हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को कौन सी चाहिए थी, OFP फाइल। OFP एक तो नहीं मिलती है, चलो फिर भी देखते हैं एक बार हमें क्या जाता है, देखते अगर इसकी मिलती है तो। *8999#, उस सॉफ्टवेयर वर्जन CPH 1923 1923 OFP, ये तो नहीं मिलेगी, खाली ये फुल फाइल मिल जाती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा टाइम लगे। एक तो इंटरनेट भी नहीं है, अभी मोबाइल पे ही काम चला रहा हूँ, वाईफाई होता तो। देखो यहाँ पे फुल फाइल पता नहीं मिलती या नहीं मिलती, चेक करता हूँ, अगर खाली एक फाइल मिलती है ना तो काम बन जाना था। देखो कितना इंटरनेट वीक है, क्या कर सकते भाई। ओप्पो A1 के CPH 1933 मीडियाटेक, देखो 5.4 GB, नहीं ना मिली OFP फाइल, अगर ये डाउनलोड करके उसके अंदर मिल जाती फिर, ठीक है। अब मैं खाली देखता हूँ, ये वाली मिलेगी, बोल दो इसको, तो कैसे काम कर रहा हूँ। अगर फोन मेरा डेड भी हो जाए कोई इशू नहीं, मैंने बैकअप लेके रखा है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने बैकअप लेके रखा है, आप भी तो कैसे मत किया करो, जो अच्छी वेबसाइट होती है जहाँ से सही फाइलें मिलती है वहां से डाउनलोड किया करो, जो यहाँ पे बता दो वहां पे जाओगे बिल्कुल भी नहीं, आप अच्छे से चेक किया करो। एक तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, धूप में पसीना आ गया, चलिए जी कितनी MB की होगी भाई साहब। वही साहब, ये फाइल भी 2 GB की है, मेरे को नहीं चाहिए, जैसे मैंने बता दिया बिल्कुल वैसे ही करना, क्योंकि अभी उतना वो नहीं है। तो बाकी क्या चीज़ रही है, अगर कोई चीज़ रही होगी तो कमेंट करके बता सकते हो आप मुझे, अगर कोई चीज़ रही होगी, ठीक है। वैसे तो सारा कुछ बता चुका हूँ मैं, फिर भी कोई ना कोई चीज़ रहती ही है तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है। चलो जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो क्लिप अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर, अगर न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। एक और चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे,
FRP यहाँ पे मोटरोला की निकाल सकते हो आप, थोड़ी ही मॉडल, ठीक। यहाँ पे क्लिक कर लो, ये MTK CPU है, स्विच ऑफ करके यहाँ पे रीसेट FRP कर सकते, ठीक है। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।